उनकी देखने वाले हैं। आपको पता ही है यार, बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं कि नेक्स्ट हो सकता है कि पीएम बिल्कुल इंडिया को वही संभाले, लेकिन अभी तो ये इलेक्शन में पता चलेगा। बिल्कुल, लेकिन इनका एटीट्यूड वीडियोस देखते हैं, मजा बहुत ज्यादा आता है देखने में। प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, देखते हैं छोटे छोटे। वे लोग भी प्रधानमंत्री थे जो कहते थे कि इस देश के संसाधनों पर मुसलमानों का अधिकार है, क्या इस देश का हिंदू यहाँ पर झक मारेगा? क्या तरीका है ये? क्या तरीका है? आपकी सरकार है, अब आप सिर्फ हिंदुओं की भलाई करेंगे? नहीं, अगला पक्ष शांति से रहेगा तो मुझे प्रसन्नता होगी उसके विकास करने में योगदान देने। अगर अगला पक्ष शांति से नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? अगर शांति से नहीं रहेगा तो उसको शांति से रहना सिखाएंगे, बंदूक के दम पर, मार के दम पर। जो जिस भाषा को समझेगा उस भाषा से समझाएंगे। ऐसे तो आप योगी हैं, आपका तो चेहरा देखते लोगों को शांत हो जाना चाहिए। अब एक तस्वीर मुझे मिली ढूंढते ढूंढते, आपने ये आप बाघ को टाइगर को दूध पिला रहे हैं। टाइगर जैसा साहस जिसमें होगा वही टाइगर को दूध पिलाना मुश्किल हो जाएगा। समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहली बार कानपुर पहुंचे अतीक अहमद ने अपना जलवा दिखाते हुए साफ कर दिया कि वे अपने तेवरों के साथ ही चुनाव लड़ेंगे और नियम कानून उनके सामने बौने हैं। उनके समर्थकों के अनुसार कानपुर में उन्होंने 1000 से अधिक गाड़ियों के साथ प्रवेश किया। इनमें से कई गाड़ियां बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के थी। खुद अतीक अहमद की गाड़ी से नंबर प्लेट गायब। लेकिन देख लो, 10 मार्च के बाद पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। यूपी के बाहुबली नेता अतीक अहमद को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। अतीक की पत्नी 25,000 का इनाम जो है उसके ऊपर घोषित किया गया है। बाहुबली माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद ने मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। 2,00,000 के इनामी उमर ने मंगलवार को लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया। मीडियाओं के साथ यही व्यवहार होना चाहिए, नहीं तो ये आम जनता जीना हराम कर देंगे। इंशाल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। और ये भी कह दो, ये सब करने से कुछ ना होने वाला, योगी तो जाएगा, लिखवालो मुझसे। कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। वही भी लोग जवाब देने बैठ गए हैं, क्या बात है। बैठे कार विच फेरे चोणोंगे जे यार, क्या बात है यार। पंगे जान जाओ बैठिया बैठाया बंदे उठे ने दिंदे लैंदे मिंटो मिंट पद मां तू हस बल्ली ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਤੰਗ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਬੱਲੀ ਸਾਡੇ ਮੈਟਰ ਚ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਪੁਲਸ ਬੱਲੀਏ ਕਰਦਾ ਤੰਗ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸ ਬੱਲੀ ਜੱਟ ਕੈਂਗ ਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੈਂਗਾ ਰਨ ਕਰ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਚੜਦੇ ਦੋ ਚੜਦੇ ਨੀ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਲੈ। हमारे यहाँ तो राहुल गांधी भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, क्या नाम नीतीश कुमार भी हैं, सुन लीजिए, अखिलेश को यादव भी हैं, नीतीश विपक्ष में, नीतीश कुमार भी हैं, एमके स्टालिन भी हैं। आपके यहाँ मोदी के अलावा प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन है? एक नाम बता दो, हिम्मत हो, हैसियत हो और हौसला। नरेंद्र मोदी के अलावा 2024 में कौन प्रधानमंत्री होगा? एनडीए बता दे। तेरा बाप आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि तेरे पापों का हिसाब है। लेकिन ये कैसे खेलते थे इसका एक मैं एक समाचार पत्रों को देख रहा था। मैंने कहा नेता विरोधी दल बहुत बड़े खिलाड़ी होंगे तो हो सकता हम इनका नाम किसी पुरस्कार के लिए भेज दें। भाई यूपी के किसी खिलाड़ी को मिले तो हमारे लिए तो एक बहुत अच्छी बात होनी चाहिए। मैं आपके सामने ही पढ़ूंगा, 12वें ओवर में सीएम का शॉट सीधे कप्तान आलोक रंजन के हाथ में चिपक गया। ये क्रिकेट खेलना है, पहली बॉल में कैच आउट हो रहे हैं लेकिन वहां से कह दिया जाता है कि ये तो नो बॉल है। और अगर वह ये छक्का मारते ना तो कहते रे छक्का मार दिया, तो ये ऐसे ही छक्के हैं। आई राहुल गांधी हैविंग बीन इलेक्टेड अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल डू सोलेमनली अफर्म दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज़ बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड। जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, खुदा के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत के अहम आदित्यनाथ
लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचिता निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्ना हस्ते यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये यदहं भारतस्य संपूर्ण तो ये जो धमकी देते थे कि 370 समाप्त करोगे खून की नदियां बहेंगी, हम कहते थे यार कुछ नहीं होने वाला। चलो कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी, मैं कहता था देखो भाई कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे, और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। यूपी का मतलब घर में अंधेरा, शहर में दंगा। यूपी का मतलब बेरोजगारी, यूपी का मतलब सड़क पर गड्ढा। ये एक इमेज थी यूपी। यूपी में काफी कुछ बदल गया। वास्तव में इसका श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। सिर उठा करके सड़कों पर चल सके, धमकी की बात तो दूर, वो सड़कों पर चल सके। और अगर किसी ने दुस्साहस किया, किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया, तो गोली उस व्यापारी या उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को देखते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया गया। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे, और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसलिए बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी आप देखते रहिए। पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी जो पहले भारत के अंदर आकर के जगह जगह विस्फोट करते थे, उन सबको यमलोकपुरी की यात्रा पर भेजना शुरू कर दिया हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने। या तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी, अगर हमारे हाथ में एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं। और उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि भारत का हर नागरिक हिंदू है। अगर कोई हिंदू है और वो आतंकवादी है, वो मारता है मासूम लोगों को, उसके बारे में भी यही कहेंगे हिंदू पहले आतंकवादी नहीं हो सकता, ये क्या बात हुई? मैं इस बात को कैसे, मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ? एक, और अगर है गलत है, भारत के कानून के अनुसार जो कार्रवाई हो सकती है आप कार्रवाई करें। हिंदू जेल में बंद हुआ है, आतंकवादियों के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेना कौन सी परंपरा का हिस्सा है? कौन से समाजवाद की बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं? और आपकी बहन की कुछ तस्वीरें मैंने देखी हैं कि चाय की दुकान चलाती हैं, प्रसाद की दुकान चलाती हैं, तो आपको नहीं लगता कि सब अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, आप भी थोड़ा ध्यान रख लेते? एक मुख्यमंत्री के रूप में मैंने अपने राजधर्म का शपथ ली है, परिवार का नहीं। मैं भाइयों बहनों कुर्सी के लिए पादा नहीं,
मैंने घर परिवार बेचैन सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। गोली एक जैसी चलती है। कौन सी बात है कि अपराधी गोली चलाए और हम पुलिस वाले से कहें कि भाई तुम अपने हाथ बांधे रहो? मैंने ये नहीं। और जब गोली चल जाए तो उसके बाद जो है तब जाके तुम गोली चलाना? मैंने ये नहीं। कौन सी बात हुई? नहीं, अगर नहीं। सामने से गोली चल रही है तो पुलिस को पूरा अधिकार है कि गोली का जवाब वो गोली से दे। ये कि ला करके आप बांध करके और बांध करके एक भी घटना नहीं हुई। मैं इसी बात को चैलेंज कर रहा हूँ, एक भी घटना को प्रमाणित कर लें। आज की वीडियो यार बड़ी मजेदार वीडियो थी योगी जी आदित्यनाथ की भाई, क्योंकि उनका ना नेक्स्ट पीएम बनने का 2024 में शायद उनके इलेक्शन नाम बहुत ही ज्यादा आ रहा है खबरों में। हाँ, लोग क्योंकि लोग बोलते हैं कि अगर पीएम मोदी नहीं तो योगी जरूर बनेंगे, क्योंकि वो उन्हीं की सेम पार्टी से हैं, वो बने बात है। लेकिन अभी बीजेपी के वैसे जीतने के चांसेस मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि जो चंद्रयान 3 भी ना कामयाब हो चुका है ना, तो पूरी दुनिया जो इंडिया का गवर्नमेंट में वो लोग जो इसको बोलते थे कि ये पैसे लगा के वेस्ट कर रहे हैं, यही अगर वहाँ पे लगाए जाते। हालांकि वो वहाँ पे भी सबसे पहले तो उन्होंने वाम का ही सोचा है, फिर ही चंद्रयान 3 पे उन्होंने लगा के पैसे, तो इतना बड़ा जो कामयाबी हासिल की है दुनिया मान रही है। जब आप अपने देश में कुछ काम कर रहे होते हैं तो वो भी मतलब दुनिया उसको देखती है, लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह से कारनामा कर देते हो ना, तो फिर तो पूरी दुनिया की नजरों में पक्की हो जाती है आपके ऊपर। और अभी बीजेपी के चांसेस भी ज्यादा है, लेकिन कौन सा डिसाइड करना है तो पार्टी वो है वो भी डिसाइड करेगी। लेकिन लोग यही बोल रहे हैं, अभी हमारे कमेंट बॉक्स भी इसी चीज से भरे होते हैं कि भाई पीएम मोदी ही बने। इन्होंने अपने वैसे ना अपने जो इनका उत्तर प्रदेश यूपी है वहाँ पर भी काफी ज्यादा इन्होंने सड़कें, जैसे इन्होंने काम सड़कें बनाई, लोगों को नौकरियां दी, जॉब्स दी, जिसकी वजह से ये रोज कह रहे थे कि नहीं पहले अच्छा समझा जाता था यूपी को, अभी वैसे सब कुछ वहाँ पर ठीक है। तो यही चीज होती है, बिल्कुल हमारा पाकिस्तान है तो हमारा जो एरिया हम वहाँ पे चाहेंगे यार, जो हमारी सड़कें नहीं बनी हुई या फिर कोई गैस पाइपलाइन है या फिर कुछ भी या बिजली का मसला है, हमें सस्ती चीज़ें चाहिए और हर चीज़ मतलब सही टाइम पे चाहिए होती है। तो अगर इस तरह से सभी चीज़ें हमें मिलना स्टार्ट हो जाए तो लोग तो वोट उसी पार्टी को देंगे जो आपके फायदे की बात करेगा, वरना अगर आप बस बातें ही करते रहोगे, आप कुछ करोगे नहीं, तो फिर तो आपको वो एक दफ़ा यकीन कर लेंगे लेकिन नेक्स्ट टाइम आप पे कभी यकीन नहीं करेंगे। ये तो दो दफ़ा पीएम रह चुके हैं, इसका मतलब तो यही है ना लोगों ने दूसरी बार ट्रस्ट किया, और अभी हो सकता है कि तीसरी बार भी यही बन जाए। यार मज़ा आ गया इसको देखकर, इनका एटीट्यूड लेवल नेक्स्ट लेवल है भाई। मुँह पे जवाब देते हैं, कोई भी ये नहीं है कि भाई बैक पे जाके आप जवाब दो, नहीं भाई सीधा जवाब। सीएम है, उनके पास सारी वैसे पावर्स भी होती हैं, तो फिर वो वैसे ही बात करते हैं कि ऐसे करते हैं कि वैसे करते हैं। काफी ज्यादा अच्छा है, काफी अच्छा एटीट्यूड था, मजा आया वीडियो देखने में, करते हैं आपको भी मजा आया होगा। अगर किसी और की एटीट्यूड वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारा चैनल है भाई, हमने महाभारत भी स्टार्ट की हुई है, मैरन सर वहां पे भी जाके जरूर देखिए, क्योंकि महाभारत की अभी हमने 50 एपिसोड बना ली है। प्लीज वो भी चैनल जाके हमारा जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है।